हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सो शुक्राल आई होप आप सही बहुत अच्छे हो गए हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई टू एक्स मुस्लिम समीर ऑन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आता था कि एक्स मुस्लिमों के ऊपर आप लोग मुस्लिमों को सपोर्ट करते हो और सही दिखलाते हो वीडियो में, तो आप लोग एक्स मुस्लिम को देखो पहले, उन पे वीडियो बनाओ। तो अभी एक्स मुस्लिम का रिप्लाई देखेंगे क्या उन्होंने बोला है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई सुनेंगे। तो आप लोगों को जो डाउट रहेगा जो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम जो है वो खुद सही ढंग से पढ़ते नहीं है कुरान को, ठीक है, उसके बाद फिर इल्जाम लगाने लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें बताया कि इस्लाम में क्या इंसानियत है, आपको डॉक्टर जाकिर नायक सर से रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखना, बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा लास्ट, आप लोग वीडियो में आ जाते हो तो गाइस पूरा लास्ट तक के देखा करो, हमें सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों को, फैमिली लोगों को, और जो नॉन मुस्लिम है जो बोलते हैं ना एक्स मुस्लिम को देखो तो उनको भी शेयर करना वीडियो, ताकि उनका भी आंख खुले, ठीक है, दिमाग खुले। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगाला है और कुरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कुरान में एक भी आयत इंसानियत के लिए नहीं है, मानवता के लिए नहीं है, सारी आयतें इंसानियत के खिलाफ है, और कहा है कि इस्लाम एक जालिम मजहब है क्योंकि इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया है। इस तरह से उसने इस्लाम पर इल्जाम लगाया और कुरान पर इल्जाम लगाया। बिल्कुल इसी सवाल को एक हिंदुस्तान के वकील ने डॉक्टर जाकिर नायक से किया था, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने इस पर जवाब दिया है। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नायक का उस जवाब को देख लेते हैं और एक्स मुस्लिम समीर का जो जहर उगाला है उसे भी देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है जिससे यह साबित हो जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है और उनको केवल इस बात इस्तेमाल की आपको अगले वीडियो प्रयोग करने की वस्तु समझता है, कारी लफ्ज का जवाब अगले और उनको मारना और पीटना अपनी मर्दानगी समझता है। जब ये चीजें मैंने गौर की तब तो मुझे आभास हुआ कि यह व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत, प्रॉफिट तो होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी दी जाती। तो यदि इस्लाम में आप मानवता ढूंढेंगे, 6663 आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने पीसफुल कम्युनिटी वाले भाइयों से पूछता हूं, एक सिंगल आयत मुझे दिखा दें जो मानवता की बात करती हो, एक सिंगल। 6662 आप रख लें, मेरे को केवल एक दे दें, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मजहब। ये चिल्लाते ना इंसान इज इस्लाम इज वेरी पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मतलब मजहब है। किधर तुम्हारी कुरान में भाईचारा नहीं, तो किधर से मजहब है भाईचारे का? केवल एक आयत सिंगल आपको मिलेगी, सूरह अल माईदा की आयत नंबर 32। और बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया का हर एक इस्लामी स्कॉलर इसको कोट करते हुए कहता है कि देखो यहां इंसानियत की बात हो रही है, पर जब आप उस आयत के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि उसकी डेप्थ को वो समझ सकता है जिसने अरबी को अंदर तक समझा हो और कुरान को अच्छी तरीके से समझा हो, तो वो आयत भी एक्चुअली इंसानियत के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में है। कि मैं हरिद्वार नगरी का रहने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर बाबा जी तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग जो था वो उसने वहां पर हमला किया था और
हमारे हरिद्वार की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आज भी वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लिखी हुई। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में। पैसे भी कर रहे। और जो बचे थे वो डर करके इस्लाम कबूल कर लिए थे। मेरे अपने एंसेस्टर भी उन डरपोकों में से एक थे। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पे मेरे से डिबेट कर ले, अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम बीएस गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूं। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला के नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा गया जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है, कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पर नहीं फैला। अगर ये सच होता था आपने कहा हजारों लोगों का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया जाएगा। देखो हर मजहब में देर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी, कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते, ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हैं हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है, कुछ लोग का शायद क्या होगा। और ये ही सबूत है, मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं, ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था
हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलाइदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब के अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं, मैं कहता हूं। यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है, ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मजाहब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इसे हाथ में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मजहब की अच्छी चीज लोगे, तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुबहाना होता है नाजिल की, कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज टू किल 10,000 ब्राह्मिन्स एवरी डे। 10,000, शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1,00,000। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10,00,000। तो बोले कि एक साल में वो 30,00,000 पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ, कहीं ना 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30,00,000, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाक वीडियो, ठीक है, मैं लास्ट वाली सर है, ये बहुत ही बेस्ट है। ओझा सर, ये इनके ही वीडियो हम देखे थे, ठीक है, और मैं यही वीडियो के बारे में अभी, मैं मेरे को पता ही था कि लास्ट में ये वीडियो पे ये ओझा सर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जब बहुत ज्यादा अफवाहें जो फैलाई जाती है ना मीडिया में कि जो औरंगजेब था वो इतने मुसलमान होके इतने हिंदुओं को मारे, मंदिर तोड़ा, ठीक है, उसकी जगह मस्जिद बनाया, तो उसका प्रूफ ये सर खुद है, ठीक है। और ये सर कोई ऐसे नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, अगर कोई मुस्लिम बोलता तो हाँ आप यकीन नहीं करते,
अपने वो रिलीजन को साफ सुथरा करने के लिए वो बोल सकता है, लेकिन यार अवध ओझा सर खुद बोल रहे कि 11 करोड़ थे उस समय, तो 15 करोड़ को मारेंगे मतलब पूरा इंडिया का ही जो वो है पॉपुलेशन वो ही खत्म हो जाता, ठीक है, पहली बात फेंकी हुई बातें हैं। और दूसरी बात, और दूसरी बात रही जो कि इतने हिंदुओं को मारे, तो हिंदुओं की आबादी यहाँ ज्यादा क्यों होती, इतनी मंदिर क्यों होती मस्जिदों से ज्यादा और दूसरे रिलीजन से ज्यादा, हिंदू धर्म ही टॉप पे क्यों है इंडिया? अगर वहाँ पे मारा जाता तो फिर वो लोग कम होते ना, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी यहाँ पर पॉपुलेशन उन्हीं की ज्यादा है। और रही बात तो सामने जो लड़का था तो नरसिम्हानंद के साथ वो बैठा हुआ है, तो वो उसी की जबानी बोल रहा था क्योंकि उसके वर्ड्स और उसके वर्ड्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वो रहते हैं ना कि थोड़ी सी पॉपुलरिटी के लिए, पता है कि यार हम जब हिंदू धर्म के सपोर्ट में बोलेंगे और दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे तो हमें तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में पैसे भी मिलेंगे और नाम भी होगा, तो भाई कोई भी जाना चाहेगा ऐसा करना। लेकिन वो ये उसको इतना डर नहीं है अपने भगवान का कि भाई मैं क्यों बहुत गलत चीज कर रहा हूँ, एक दूसरे को लड़ाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लोगों पे तो डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए यार, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। वो इस्लाम धर्म के बारे में बोल रहा है कि उसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, एक भी मानवता के लिए उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बोलना चाहूंगी उसको कि पहले तो तुम खुद अपनी बुक भी पढ़ो और खुद पढ़ो, खुद रिसर्च करो, ठीक है, खुद पढ़ो इस्लाम में क्या लिखा है और क्या नहीं, ये सब चीजें मत करो। और मेन ये जो बोल रहे थे ना कि इंसानियत के बारे में लिखा ही नहीं एक भी सब, तो भाई एक चीज है जो हम खुद रिएक्शन देते देते जाने हैं इस्लाम के बारे में, अगर आप एक बेकसूर इंसान की जान ले रहे हो मतलब आप पूरी इंसानियत की जान ले रहे हो, तो इतनी बड़ी इतने बड़ा वर्ड है इस्लाम में, तो फिर उसमें इंसानियत कैसे नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे ही है ना कि अरे यार चलो फेक करना है, मुस्लिमों को बदनाम करना है तो बस कुछ भी बोले जाओ, यही था समीर का काम, ठीक है, और वो यही करेगा जिंदगी भर, आप देख लेना, ठीक है, लेकिन अंजाम कुछ होगा नहीं। जैसे अभी ये नरसिम्हानंद के साथ अभी वो एक वसीम रिजवी आया था एक्स मुस्लिम, तो उस वो भी गया, उसका हाल क्या हो गया, और अभी तारिक फतेह सामने है, तारिक फतेह आपके सामने, और फिर ये आ गया एक नया, ऐसे बहुत है, एक्स मुस्लिम यही नहीं है और भी लोग है। तो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो उस वीडियो के बारे में, और एक्स मुस्लिम से आप कितने संतुष्ट हो ये भी कमेंट करके बताना, और क्या सोचते हो समीर के बारे में, एक्स मुस्लिम समीर जो उन्होंने नाम लिखा है उसके बारे में। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।